ಗುರವಗಮಾತ್ಮತತ್ವ ನಿಗಮಾಯತವಾತ್ಮತನೋ ಚರಿತ ಮಹಾಮೃತಾಭಿ ಪರಿವರ್ತ ಪರಿಶ್ರಮಣಾಃ ನ ಪರಿಲಶಂತಿ ಕೇಚಿದಪವರ್ಗಮಪೀಶ್ವರತೇ ಚರಣ ಸರೋಜ ಹಂಸ ಕುಲ ಸಂಗ ವಿಸೃಷ್ಟ ಗೃಹ. ವೇದಿಕೆ ಮಂತ್ರ 20 ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾ ತತ್ವ ದುರವಗಮ ಹೈ. ಜೈಸೆ ದುನಿಯಾ ಕಿ ಸಬ್ ಚೀಜೆ ಸಮಝ ಲಿ ಜಾತಿ ಹೈ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಸೆ ಯಂತ್ರೋ ಸೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸೆ ಬುದ್ಧಿ ಸೆ, ವೈಸೆ ಯೇ ಜೋ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಹೈ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಹೈ ವೋ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಸೆ ಯಂತ್ರೋ ಸೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೆ ಪ್ರಯೋಗ ಸೆ ಯೇ ಸಮಝನೆ ಕಿ ವಸ್ತು ನಹಿ ಹೈ. ತಬ್ ಲೋಗ್ ಇಸ್ಕೋ ಕೈಸೆ ಸಮಝೇ? ಬೋಲೆ ಠೀಕ್, ಇಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆತ್ಮತತ್ವ ನಿಗಮಾಯ ತವಾತ್ಮ ತನೋ, ಅಪನೆ ಸ್ವರೂಪ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಿ ಆಪ್ ಶರೀರಧಾರಿ ಹೋಕರ್ ಅವತಾರ ಲೇಕರ್ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ಮಾನೆ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಜೋ ಅವತಾರ ಹೋತಾ ಹೈ ವೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ಅಗರ್ ಅವತಾರ ಕಿ ಏಕ್ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಠೀಕ್ ಢಂಗ್ ಸೆ ಸಮಝಿ ಜಾಯೆ तो जो भगवत तत्व है निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक एक रस अद्वितीय वो समझ में आ जाए. बोले भाई भगवान के अवतार लेने से शरीर धारण करने से ही वो बात कैसे समझ में आ जाएगी? तो समझाते हैं, चरित महामृताभि परिवर्त परिश्रमणा. भगवान के चरित्र रूप जो अमृत का महान समुद्र है उसमें डुबकी लगाओ, गोते लगाओ, ऐसे ऐसे रत्न मिलेंगे कि अब तक जो तुम्हें संसार में परिश्रम करना पड़ा है वो सब का सब परिश्रम तत्काल दूर हो जाएगा. तो दुरवगमात्म तत्व निगमायतवात्तनो चरित महामृताभि परिवर्त परिश्रमणा परिरत्र वर्जनार्था. यहां परिशब्द का अर्थ है श्रम खोने के अर्थ में. संसार में धन कमाने में बहुत परिश्रम है, भोग भोगने में भी बहुत परिश्रम है, और रोग हो जाता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है, धर्म करने में भी बहुत परिश्रम है, और मोक्ष के लिए सम दमादि साधन संपन्न हो करके श्रवण मनन निधि ध्यासन करने में भी बहुत श्रम है. परंतु जो चरित रूप अमृत के महासमुद्र में गोते लगाते हैं उनको कोई परिश्रम नहीं पड़ता, अनायास परमात्मा का तत्व समझ में आ जाता है. अब आपको संक्षेप में सुनाते हैं, अवतार के बिना भगवत तत्व को समझना कठिन है, और भगवत चरित्र के बिना मन का उसमें प्रवेश बहुत कठिन है. कल आपको सुनाया था, एक सज्जन महाशय जी मेरे पास आए, फिर तो उसको आप याद कर लीजिए. उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वथा निराकार निर्विकार परे 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 है. ये कई लोगों को शौक होता है, सबसे परे सबसे परे सबसे परे, बड़ा दूर हो जाता है. तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि महाशय जी ये बताओ कि तुम्हारा जो ये निराकार ईश्वर है ये कभी अनुभव का विषय किसी के भी, चाहे वशिष्ठ के हो, विश्वामित्र के भी हो, शुकदेव के भी हो, वामदेव के हो, कभी किसी के अनुभव के सामने आता है कि नहीं, अनुभव का विषय होता है कि नहीं?
तो यदि अनुभव का विषय होता है तो ये जो पेड़ का आकार है इससे विलक्षण, स्त्री का आकार है उससे विलक्षण, पुरुष का आकार है उससे विलक्षण, तो वो जो उसका एक विलक्षणता रूप जो आकार है ईश्वर में, उसके बिना ईश्वर कैसे हो सकता है? अलग करके किसी भी चीज को पहचानना पड़ता है तो उससे अलग जो चीजें होती हैं उससे न्यारा करके पहचानना पड़ता है। ये सोहन है, ये मोहन है, ये राम है, ये श्याम है, ये जग्गदत्त है, ये पुष्यदत्त है, ऐसे करके सबसे अलग ये निराकार परमात्मा है। तो औरों से अलग और अपनी बुद्धि का विषय होवे, वृत्ति का विषय होवे, वृत्ति का विषय ना होवे, साक्षी का विषय होवे, वृत्ति के समान होवे, लेकिन उसका आकार तो जरूर होना चाहिए। और यदि कहो कि उसका आकार बिल्कुल है ही नहीं और वो किसी के अनुभव का विषय कभी होता ही नहीं, अनुभाव्य होता ही नहीं, वो अनुभाव्य नहीं होता है तो बिल्कुल कल्पित है, उसका तो अपरोक्ष साक्षात्कार होना चाहिए। और सारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा को जानो, परमात्मा का साक्षात्कार करो, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निविध्यासितव्या। तो बात क्या हुई? तो बात यह हुई कि सनातन धर्म में परमात्मा के संबंध में केवल दो ही बात है। एक तो ये है कि वो अनुभव स्वरूप अपनी आत्मा ही है, अनुभव से परे नहीं है, अनुभव स्वरूप है। और दूसरी बात उसके संबंध में यह है कि भक्ति से, प्रेम से जब वृत्ति तदाकार होती है तब ईश्वर का अनुभव होता है। तो तत्व ज्ञान की दृष्टि से अविद्या की निवृत्ति होने पर वो अनुभव स्वरूप है, अपना स्वरूप है, ये मानो अथवा ये मानो कि राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में उसका अनुभव होता है और वो साकार है। केवल परे 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 कह देने से कोई काम नहीं बनता है। तो एक बात तो ये हुई कि परमात्मा का या तो ब्रह्मज्ञानी अनुभव करे कि वो हमारी आत्मा है, और या तो भक्त लोग अपने भक्ति प्रेम का विषय बना करके अनुभव करेंगे ये परमात्मा है, दूसरा कोई तरीका परमात्मा के अनुभव के लिए नहीं है। तो यही जो अनुभाव्य रूप है भगवान का, वृत्तियारूढ़ होकर के अविद्या को निवृत्त करता है, अज्ञान को वृत्ति निवृत्त नहीं करती, वृत्ति में आरूढ़ होकर के चेतन निवृत्त करता है। जैसे पाप या पुण्य मुर्दा नहीं करता है, मुर्दे में आरूढ़ जो चेतन है, जीव चैतन्य है, वो पाप पुण्य करता है। इसी प्रकार वृत्ति तो मुर्दा है, मुर्दा वृत्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, उस जड़ वृत्ति में आरूढ़ जो चैतन्य रूप परमात्मा है वो अविद्या को निवृत्त करता है, उसी को अवतार रूप कहते हैं। आभास सहित जो वृत्ति है वही अज्ञान को दूर करती है, आभास रहित जो वृत्ति है वो अज्ञान को दूर नहीं कर सकती। तो वही जो वृत्ति में आभास है उसको वेदांत की दृष्टि से अवतार बोलते हैं। अब ये विषय ज्यादा न बढ़ा के आपको ये सुनाते हैं कि भगवान के चरित्र में ऐसी क्या विशेषता है कि भगवान के चरित्र से हम उनके तत्व को समझ जाएं। तो ये चरित्र भी दो तरह के होते हैं, एक ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र और एक माधुर्य पूर्ण चरित्र, ये दो विभाग इसके होते हैं। तो ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र ये है कि परमात्मा में प्रकृति कैसे पैदा हुई, प्रकृति में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों को किस रीति से बनाते हैं, ये चरित्र है भगवान का। प्रकृति का प्रकट होना एक चरित्र है और ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न प्राणियों का प्रकट होना ये दूसरा चरित्र है। और फिर वो इस आकाश में कैसे स्थिर होते हैं ये तीसरा चरित्र है, और भगवान उनको कैसे पोषण देते हैं, माता के स्तन में दूध कैसे आ जाता है और अंगूर के फल में रस कहां से आ जाता है, अनार के पेड़ को देखो तो कड़वा होता है, उसको मुंह में डालो
पेड़ कड़वा, पत्ता कड़वा, फूल कड़वा, लेकिन अनार के भीतर जो दाने होते हैं उसमें मीठा रस कहाँ से आ जाता है। अंगूर के पत्ते को चखो, तने को चखो, उसमें अंगूर का रस बिल्कुल नहीं मिलेगा। फल लगने पर उसमें रस कहाँ से आ जाता है। तो ये सभी को पोषण देना, जब पौधा सूखने लगता है तो उसमें हरियाली कहाँ से आती है, जब गर्मी पड़ने लगती है तो वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा पड़ने के बाद सर्दी कहाँ से आती है, सर्दी के बाद गर्मी कहाँ से आती है, ये सृष्टि का पोषण कौन कर रहा है। और मनुष्य के मन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की वासनाएं होती हैं उनकी पूर्ति कैसे होती है, और अनादिकाल से अब तक धर्म की परंपरा कैसे चल रही है, और लोगों को वैराग्य कैसे होता है, और भगवान लोगों के मन को अपनी ओर कैसे खींचते हैं, और इस संसार के बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है, और अंत में सबका आश्रय जो परमात्मा है वो कैसे रह जाता है, इन 10 वस्तुओं के वर्णन को ऐश्वर्य प्रधान चरित्र बोलते हैं। प्रकृति से सृष्टि कैसे हुई, पेड़ पौधे मनुष्य पशु पक्षी में भेद कैसे हुआ, और ये सब आकाश में कैसे स्थिर हैं, और इनको क्षीण होने पर फिर से दोबारा तिबारा चौबारा शक्ति कहां से मिलती रहती है, इनकी वासनाओं में विचित्रता कैसे है और वे पूर्ण कैसे होती हैं, धर्म की परंपरा अनादिकाल से कैसे चलती है, वैराग्य कैसे होता है, मन परमात्मा में कैसे लगता है, संसार बंधन से कैसे छूटते हैं, और सबका आश्रय कौन है, इन 10 बातों के वर्णन करने को भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र मानते हैं। अब जो भगवान का मधुर चरित्र होता है, मधुर चरित्र का अर्थ होता है हमारे बीच में हमारे ही सरीखे बन के आ जाते हैं। आप तो इस चरित्र का विस्तार न सुना करके, इसमें जो अमृत है ना, एक तो चरित्र का समुद्र है और एक चरित्र समुद्र का अमृत है, और वो अमृत भी अमृत का भी महासमुद्र है, जैसे मक्खन हो गए वैसा। केवल गोपियों के संबंध में आपको 2-4 बात सुनाते हैं। ये श्री कृष्ण का चरित्र है, श्री कृष्ण का चरित्र है जिससे मनुष्य ध्यान करके देखे, स्मरण करके देखे, तो उसको परमात्मा का जो असली तत्व है उसका ज्ञान हो जाए। तो वो क्या है, तो आओ तुम लोग गोपी की ही बात में, तो गोपी शब्द का अर्थ भागवत में 3 प्रकार से लिया गया। एक तो गोपी माने वेद की श्रुतियां, जो मंत्र हैं, ऋचाएं हैं जो वेद की, उनको बोलते हैं गोपी। और एक जो इदा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ी हैं अपने शरीर में, उनको बोलते हैं गोपी। और एक जो हमारी वृत्तियां हैं चित्त की भगवान के साथ जुड़ने वाली, उनको बोलते हैं गोपी। और चौथा अर्थ संसार में प्रसिद्ध है, गोपी माने गोपांगना। तो अब हमारी नाड़ियां जो हैं इदा पिंगला सुषुम्ना आदि, वो अंतर्मुख होकर के और निरुद्ध अंतर्मुख होकर के कैसे सहस्रार स्थित परमात्मा में जाती हैं, हमारी वृत्तियों के साथ भगवान कैसे रासलीला कर रहे हैं, और संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य परमात्मा में कैसे है, इन 3 बातों को बताने के लिए ये चौथा गोपियों का चरित्र भगवान के साथ जोड़ने के लिए आता है। तो अब गोपियों के चरित्र पर एक दृष्टि, सरसरी निगाह जिसको बोलते हैं, सरसरायमाण दृष्टि, जल्दी 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 एक नजर गोपियों के चरित्र पर डालें। तो पहली बात यह है कि गोपियों के हृदय में पूर्व राग की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण से मिलन नहीं हुआ, श्री कृष्ण का गुण सुन करके, उनका नाम सुन करके, उनकी बंसी ध्वनि सुन करके, उनका चरित्र सुन करके गोपियों के मन में ये राग उत्पन्न होता है कि हम कृष्ण से मिलें। ये पहली अवस्था गोपियों के चित्त की है। अनमिले और अनदेखे साजन से जो हृदय में प्रीति की उत्पत्ति होती है, वो गोपियों के चित्त की पहली दशा है।
ये सभी मनुष्यों के लिए होने की जरूरत है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया है उनके मन में ईश्वर का गुणानुवाद सुन के, ईश्वर का नाम सुन के, ईश्वर का चरित्र सुन के, ईश्वर जो आनंद की वर्षा कर रहा है वंशी ध्वनि के रूप में, जो उसकी अनंत वंशी बज रही है उसको सुन करके, तो भाई हम ईश्वर की ओर चलें, ईश्वर से मिलें। ये जो हृदय में ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनुराग, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता जगती है, ये चित्त की पहली अवस्था है। ये गोपियों के जीवन में अनेक बार आती है। एक दिन एक गोपी ने कहीं चलते चलते सुन लिया कोई पुकार रहा था, कृष्ण ओ कृष्ण, ग्वाला पुकार रहा था कृष्ण कन्हैया काना। उस दिन के पहले गोपी ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था। जिस दिन पहले पहल कृष्ण का नाम पड़ा कान में, वो लौट करके अपनी सखी से बोलती है, ब्रीडाम बिलोडयती लुम्पति धैर्य मार्य भीतिम भिनत्ति परिलुम्पति चित्त वृत्तिम नामैव जस्य कलितम श्रवणोपकंठे दृष्ट सकिम न कुरुताम सखी मद विधा नाम ब्रीदाम्बिल उदयती। आज सखी मेरे नाम, मेरे कान में एक नाम पड़ गया और वो नाम जो मेरे कान में पड़ा तो ब्रीदाम्बिल उदयती, उसने हमारी लज्जा को मत दिया। लुंचति धैर्यम, हमारे धैर्य को नोच ले गया। आर्ज भीतिम भिनत्ति, गुरुजनों के डर को तोड़ फोड़ दिया। परिलुम्पति चित्तवृत्तिम, हमारी चित्तवृत्ति का लोप हो गया। कैसे? तो बोले किसी का नाम मेरे कान में पड़ा, उसका नाम है कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर, उसका नाम है नाम। वो नाम ही जिसका कान में पड़ने के बाद हमारी ये दशा हो गई, यदि वो हमारी आंखों के सामने आ जाएगा सखी तो हमारी क्या दशा होगी। ये पूर्वराग की एक स्थिति आपको बताई, ये पूर्वराग की अवस्था है। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी माई, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली, कारी सखी जब से कृष्ण नाम मेरे कान में पड़ा है, भूली री भवन हो तो बावरी भैरी, मैं तो अपना घर भूल गई और बावरी हो गई। तो देखो जो लोग संसार में फंसे हुए हैं, इसके कर्म में, इसके भोग में, इसके इसकी संपत्ति में, उन लोगों को भी अपनी ओर आकृष्ट करने वाली अगर कोई वस्तु है तो श्री कृष्ण का नाम। तो ये चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। हाँ, एक दिन क्या हुआ, एक गोपी जमुना जल भरने के लिए जा रही थी। उसको मालूम नहीं था कि नंद नंदन श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं। उसके कान में वंशी ध्वनि पड़ गई। वंशी ध्वनि, जब बांसुरी की ध्वनि उसके कान में पड़ी, वो घर में आकर के वर्णन करती है कि आज जब मैं जमुना जल लेने के लिए गई थी, अकस्मात वन में से एक ध्वनि आई और हमारे कान में प्रविष्ट हो गई। सखी वो बंसी की ध्वनि थी कि हमारे कानों के रास्ते किसी ने हमारे हृदय में जहर डाल दिया, बांसुरी बजाएगो कि विष बकराएगो। वो बंसी बजा के चला गया कि हमारे हृदय में कोई जहर डाल गया। घर में आके गोपी बहुत व्याकुल हुई। उसको ये मालूम नहीं था कि जिसका नाम कृष्ण है उसी ने बात है, उसको ये मालूम नहीं था। ध्यानम बलात् परमहंस कुलस्य बिंदन निंदन सुधा मधुरिमाण मधीर धर्मा कंदर्प शासन धुराम मुहुरे वसंतन वंशी ध्वनिर जयति कंस निषूदनस्य। जब श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो सत महर्लोक में, जन लोक में, तप लोक में ध्यान करने वाले सनकादिकों का ध्यान टूट जाता है। देवता लोग अमृत पीना भूल जाते हैं। बछड़े अपनी माँ का थन पीना भूल जाते हैं।
चिड़िया चारा चुगना भूल जाते हैं, नदियां बहना भूल जाते हैं, और वृक्षों में नए पुष्प नए फल खिले आते हैं, संपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। गोपी ने कहा कि आज एक की बंसी ध्वनि सुनी उसके लिए चित्त व्याकुल हो गया। सखी ने कहा आओ इसके चित्र को शांत करें, एक चित्र बना के ले आई। तो देखो सखी ये चित्र कैसा सुंदर है। ये दुर्गंध माधव में ये कथा आती है, जब चित्र आया गोपी के सामने और चित्र देखा, देखने के बाद व्याकुल हो गई। किसी ने पूछा ये क्या हुआ, वहा ये क्या हो गया, क्यों व्याकुल हो गई। वो कहती है कि हमारी सखी एक तस्वीर बना के ले आई, शिशिर दृशौ दृष्टवा दिव्यम किशोर अमितीक्षित सखी जन बचो विश्रम्भात त्वं वै विलास फलांकित शिव शिव कथम जानी महा त्वाम वक्र धियो वयम निबिद बडवा बहने ज्वाला कलाप विकासिनम। शिव 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 शिव। मेरी सखी ने कहा कि देख आज मैं एक चित्रपट लाई हूँ, इसमें एक दिव्य किशोर का चित्रण है, इससे तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएंगी। मैंने सखी की बात पर विश्वास करके जो वो तस्वीर देखी, तो मैंने तो आंख ठंडी करने के लिए वो तस्वीर देखी थी और हमारे हृदय में बडवाग्नि लग गई। देखो आप मनुष्य के मन में ईश्वर की प्राप्ति की रुचि नहीं होती, लेकिन ये गोपी ये बात बता रही है कि नाम सुनने से भी रुचि होती है, बांसुरी सुनने से भी रुचि होती है, गुणानुवाद श्रवण से भी रुचि होती है, रूप श्रवण से भी रुचि होती है। श्री कृष्ण में पूर्व राग होने के लिए पहले ही गुणन में मिले हैं श्रवण जाय, हमारे कान जो हैं वो श्याम सुंदर के गुणों में जा करके मिल गए। रूप सुधा मधि किन्हे नैनहू पयान है, और हमारी जो आंखें हैं वो उनकी रूप सुधा में जा करके डूब गईं। और हसन नटन चितवन मुसुकानी रसिकाई सुघराई मिली मति पयपान है, मोही मोही मोहन मयोरी मन मेरो भयो हरी चंद भेदन परत पहचान है, कान भय प्राणमय प्राण भय कानमय हियमे न जानी परे कान है कि प्राण है। तो ये इसलिए आपको सुनाया कि ये श्री कृष्ण का एक चरित्र है। गोपी जाके घर में बीमार पड़ गई, व्याकुल हो गई, हाय हाय। सखी ने पूछा सखी क्यों क्या तकलीफ है तुमको, तो वो बताती है कि कृष्ण नाम सुन के हमारा प्रेम हो गया, एक से बांसुरी बजाना सुन के बंसी ध्वनि सुन करके प्रेम हो गया, दूसरे से तस्वीर देख करके प्रेम हो गया, तीसरे से एक स्याह पुरुषत्रय रति लभून मन्ने मृत्य श्रेयसी मैं अकेली और सती धर्म के विपरीत मेरी प्रीति तीन पुरुषों से हो गई, तो अब मुझे मर जाना चाहिए। इयम सख दुराराध्या राधा हृदय वेदना कृता यत्र चिकित्सा पी कुत्सायाम पर्यवस्यति। इसकी तो कोई दवा नहीं है, सिर्फ मृत्यु इसकी दवा है। तो इस तरह से जब गोपी के हृदय में पूर्व राग उदय होता है तो मनुष्यों के लिए एक रास्ता मिलता है कि हमारे हृदय में भी परमात्मा के प्रति पूर्व राग का उदय कैसे हो, बिना मिले बिना देखे बिना समझे केवल गुणानुवाद सुन करके नाम श्रवण करके हमारे हृदय में पूर्व राग का उदय हो। तो पूर्व राग का उदय तो हो जाए, ये श्री कृष्ण का चरित्र है, पूर्व राग का उदय तो हो जाए लेकिन उसको कोई प्रयत्न न करे, मिलने की इच्छा हो और मनुष्य यत्न न करे तो समझना कि अभी मिलने की जो इच्छा है वो कमजोर है। तो दूसरी बात गोपियों के जीवन में क्या आती है, तो वो हे मंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का नारायण, वो कात्यायनी पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, दिन भर व्रत करती हैं, कृष्ण 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 नाम का कीर्तन करती हुई जमुना जी जाती हैं, स्नान करती हैं, देवी की पूजा करती हैं और जप करती हैं कि भूया नंद सुत पते
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः का नंद नंदन से हमारा ब्याह हो गए इसके लिए मंत्र जपते हैं। जब मंत्र जपते हैं तो व्रत पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं। भगवान आकर के उनका आवरण चीरहरण करना माने भगवान के और उनके बीच में जो पर्दा है आवरण है उसको भंग कर देते हैं। इसको वेदांत में आवरण भंग बोलते हैं, आवरण भंग कर देते हैं और कहते हैं जाओ अब तुम्हारा संकल्प पूरा होगा। ये गोपियों के मिलन से पहले की चार अवस्था है। पूर्वराग उसके लिए प्राप्ति के लिए प्रयत्न, आवरण भंग और वरदान की प्राप्ति, ये चार अवस्था पूर्वराग में पहले हुई। ये श्री कृष्ण चरित्र है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी भी मनुष्य के जीवन में ये चारों बातें आवें तो वो श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग में बढ़ेगा। अब आगे देखो आपको सुनाते हैं गोपी के जीवन में। अब गोपी का काम पूरा हो गया, अब श्री कृष्ण का काम शुरू होता है। तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्त्रतः। श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई, ऐसी बंसी थी कि एक दिन कोई गोपी चुरा ले गई हो बंसी। तो गोपी बोली अरे बांसुरी तू दिन में हम लोगों के ऊपर कृपा करती है नहीं बजती है, रात में बजती है तो हम तुमसे बहुत खुश हैं तुमको वरदान देते हैं। निश्छिद्रमस्तु तुम्हारे अंदर छेद न रहे, हृदयम परिपूर्णमस्तु तुम्हारा दिल भर जाए। निश्छिद्रमस्तु हृदयम परिपूर्णमस्तु मौखर्यमस्तमितमस्तु। तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारे बोलने का दुर्गुण समाप्त हो जाए। मौखर्यमस्तमितमस्तु गुरुत्वमस्तु। तुम इतनी भारी हो जाओ कि श्याम सुंदर के हाथ से उठो मत। तो हम तुमको ये आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद नहीं शाप देती हैं। क्यों कि बोले तुम हमारे घर का कोई काम नहीं करने देती हो, सोने नहीं देती हो, बैठने नहीं देती हो, जागने नहीं देती हो। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने बताया कि ये बंसी की जो ध्वनि है ये अद्भुत है, क्योंकि जब समाधि लगती है मनुष्य की तब तो कोई व्यवहार नहीं रहता, और जब व्यवहार में मनुष्य लग जाता है तब समाधि नहीं रहती। जब ब्रह्मानंद का अनुभव हो गए तब व्यवहार नहीं, और व्यवहार हो गए तो ब्रह्मानंद नहीं। तो बोले ये बंसी ऐसी चीज है कि इसमें ब्रह्मानंद भी है और व्यवहार भी है, इसमें प्रेम भी है और अलौकिक भी है, संसार का बंधन भी नहीं है इसमें और परमात्मा की प्राप्ति है। तो नारायण विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों जिससे फीके पड़ जाते हैं उसको वेणु बोलते हैं। वश्च अश्च वयौ वश्च इश्च वयौ तावणु जस्मात असौ वेणु। जिससे विषयानंद और ब्रह्मानंद दोनों जिससे छोटे हो जाएं उसका नाम वेणु है। तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा के सूचना दी कि अब आ जाओ हम तुमसे मिलने के लिए तैयार हैं। ये चरित्र है श्री कृष्ण का, चरित महामृता भी। और जब श्री कृष्ण ने बुलाया, देखो जब गोपियों ने अपनी ओर से प्रयत्न किया श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का तब आवरण भंग पर्यंत काम हुआ, और अब श्री कृष्ण प्रयत्न कर रहे हैं कि गोपियां हमारे पास आवे तो गोपियों का सर्व संन्यास हुआ हो। गोपियों का सर्व संन्यास हुआ, घर छोड़कर कुटुंब छोड़कर जो दूध पिला रही थी बच्चे को वे, जो गुरुजनों की सेवा कर रही थी वे, धर्म संबंधी अर्थ संबंधी काम संबंधी और मोक्ष संबंधी जितने भी उनके कर्तव्य थे सब को छोड़ करके सब का संन्यास करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। ये चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा उसको कहते हैं चरित महामृताब्धि। और वहां जाने पर निष्ठा की परीक्षा ली भगवान ने, और परीक्षा दृढ़ता की परीक्षा, लौट जाओ तुम लोग अपना धर्म छोड़कर अपना कर्तव्य छोड़ करके यहां आई हो, और तुम्हारे घर में तुम्हारे जो गुरुजन हैं वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं,
तुम्हारा धर्म ये है कि घर में रह करके सब का सब काम करो। तुम संसार छोड़ करके जैसे चित्तवृत्ति जब निरुद्ध होने लगती है, परमात्मा में लीन होने लगती है या समाधिस्थ होने लगती है, तो भीतर से एक फूल उठे, अरे तुम क्या कर रहे हो, समाधिस्थ हो जाओगे, वृत्ति निरुद्ध हो जाएगी, परमात्मा में लीन हो जाओगे, तो ये सब जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, घर के काम धंधे, ये सब धरे रह जाएंगे। कहाँ जाते हो, तुमने गलत रास्ता पकड़ा है। जैसे भीतर से कोई कहे कि अरे समाधि में जाओगे तो मर जाओगे, मत जाओ समाधि में, लौट जाओ संसार में, ऐसे कृष्ण ने उनसे कहा कि लौट जाओ। परंतु गोपियां जब नहीं लौटी और उन्होंने अपनी सच्ची प्रीति प्रकट की, तब उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। तो ये चार अवस्था जो है नरक, फिर से भगवान का आमंत्रण, प्रणय आमंत्रण इसको बोलते हैं, प्रेम निमंत्रण, ये भगवान के द्वारा बंसी बजाई गई, माने भगवान ने प्रणय आमंत्रण दिया, प्रेम से बुलाया, गोपियों ने सर्व संन्यास किया, सब कुछ छोड़ा, उसके बाद उनकी दृढ़ता की परीक्षा हुई और उसके बाद भगवान ने स्वीकार किया। ये चार बात बाद में हुई। अब उसके बाद कहते हैं अड़चन पड़ी, प्रतिबंध आया, क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर की ओर चलने लगता है तो संसार अपनी ओर खींचता है। ये जो प्रतिबंध आया उनके जीवन में, वो क्या प्रतिबंध है? तो प्रतिबंध माने रुकावट, प्रतिबंध माने अड़चन। कोई नदी बहती जा रही हो और कोई बीच में बड़ा भारी पहाड़ मिल जाए, चट्टान मिल जाए, अब नदी के बहने में रुकावट पड़ गई, क्योंकि ये जो हमारी वृत्ति है वो जब परमात्मा की ओर बहती है तो ठीक ऐसे ही बहती है जैसे नदी समुद्र में जा रही हो। वेद में ऐसा ही वर्णन है, यथा नद्यः चंदमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपो विहाय, नदी तो मर जाती है और समुद्र रह जाता है। ये प्रेम जो है वो अहम को मार देता है और परमात्मा को शेष रखता है। तो ये जब गोपियां बही श्री कृष्ण की ओर, तो एक अड़चन आई, एक चट्टान आके बीच में खड़ी हो गई। वो चट्टान क्या थी, तो देखो वो साधारण भक्त की ओर आती है ना, जैसे एक तपस्वी जाके वन में तपस्या करे तो कोई अप्सरा उसके पास आ जाए, अप्सरा आ जाए तो रुकावट पड़ गई उसकी तपस्या में, गई बिचारे की तपस्या, है ना। और कोई सेठ साहूकार आ जाए महाराज और लाके कहे महाराज तुम हमारी धर्मशाला बना दो, है ना, और तुम हमारे लिए गरीबों में जाके कपड़ा बांटो, तो अब बिचारे समाधि छोड़ के जहाँ चित्त वृत्ति एकाग्र हो रही थी, परमात्मा में लग रही थी, वो तो मैनेजर ही करने लग गए, है ना, कि इतने इतने कंबल बांटो और इतने कपड़े बांटो और इतने धर्मशाला बनाओ, है ना, और इतने क्या नाम है। अब वो कहाँ समाधि थी और कहाँ शेख जी विघन बन गए, अब समाधि तोड़ करके संसार में लगना पड़ा। तो इसी प्रकार जब कोई भी भक्त भगवान की ओर चलता है तो एक बार प्रतिबंध आता है। तो प्रतिबंध तरह तरह का होता है। जसोदा मैया पूतना की ओर देखने लग जाती हैं या दूध की ओर देखने लग जाती हैं। जसोदा मैया ने देखा कि दूध जल जाएगा तो फिर कैसे मिलेगा कृष्ण के लिए, इसलिए कृष्ण को दूध पिलाने से अपने छाती से हटा करके कृष्ण को और दूध उतारने के लिए दौड़ गई। तो ये प्रतिबंध आ गया, रुकावट पड़ गई, अब कृष्ण नाराज हो गए और उन्होंने मटका फोड़ दिया। अच्छा, ग्वाल बाले जो है, तब वो जब वृंदावन में गए, अब वृंदावन की शोभा देखने लगे, अघासुर को देखने लगे, कृष्ण की ओर देखना बंद कर दिया, तो उनको अघासुर के पेट में पड़ना पड़ा, ये प्रतिबंध आ गया। लेकिन गोपी जो है इसका प्रतिबंध निराला है। माँ दूसरे की ओर देखे अपने बेटे को छोड़ करके तो कम से कम उसको पाप नहीं लगता। और नारायण ग्वाल बाल जो हैं वो कृष्ण को छोड़ करके वृंदावन की ओर देखें और शोभा देखें, अघासुर को देखें तो पाप नहीं लगता। लेकिन गोपी जो है वो तो प्रेयसी है, वो तो पत्नी है, वो तो अपने परम पति श्याम सुंदर को छोड़ करके अगर दूसरे की ओर देखने लग जाए तो वो अपने पत्नी धर्म से ही च्युत हो जाएगी। नारायण, तो गोपियों के जीवन में जो रुकावट आई वो बिल्कुल अलग किस्म की थी। वो अलग किस्म क्या थी कि गोपियां अपनी ओर देखने लगी कि हम इतनी सुंदरी हैं कि श्री कृष्ण हमारे ऊपर मोहित हैं, है ना, हम इतनी मधुर हैं,
हम इतनी आनंद रूप हैं कि हमारे बिना कृष्ण भी सुखी नहीं हो सकते। आत्मानम में निरे स्त्री नाम मान इंदो व्यधिकम भी। और जब अभिमान आया, प्रेयसी का काम है अपने प्रियतम को देखे, प्रियतम का काम है अपनी प्रेयसी को देखे। तो कृष्ण तो गोपियों की ओर देख रहे, पर गोपियां जो हैं वो अपने आप को देखने लगी कि आखिर हम में इतनी क्या मिठास है, क्या माधुर्य है कि श्री कृष्ण भी हमारे पीछे पीछे लट्टू हो करके फिर रहे हैं। तो ये जो मैंपना, ये जो अभिमान आया गोपियों के चित्त में, ये ईश्वर की प्राप्ति में प्रतिबंधक हो गया। ये दूसरे को नहीं देखते हैं, ग्वाले दूसरे को देखते हैं, जसोदा मैया दूसरे को देखते हैं, दुनिया के जो भक्त हैं वो दूसरे में आसक्त हो सकते हैं, परंतु गोपी की आसक्ति किसी दूसरे में नहीं हुई। उसने देखा कि मैं सुंदर, बड़ी मधुर, मैं श्री कृष्ण के लिए भी वांछनीय। जब हम पर दृष्टि गई तो मैं को कृष्ण ने कहा, अच्छा अब अपने को देख लो तुम लोग, हम जाते हैं, है ना। ये प्रतिबंध हो गया, ये अंतर्धान, ये श्री कृष्ण का चरित्र जो है वो ईश्वर की प्राप्ति को सुझाने वाला है। अब ईश्वर कैसे उनको मिलते हैं, कल आपको सुना देंगे इस प्रसंग को। 15 पदार्थ जो है वो रास लीला में 15 बातें गोपियों के जीवन की ऐसी बताई गई हैं जिनसे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त है। तो केवल श्री कृष्ण का चरित्र ही ऐसा है कि जो महान अमृत समुद्र है और उसमें जो डूबते उतराते हैं वो श्री कृष्ण के स्वरूप को, आत्म तत्व को समझ जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।